शनिवार को पुलिस प्रशासन और एसडीएम पीजी डागा कन्या महाविद्यालय के वर्तमान प्राध्यापक डॉक्टर संगीता घई को प्रभार दिलाने पहुंचे तो निलंबित डॉक्टर डीके दुबे उच्च शिक्षा विभाग का आदेश नहीं होने की बात कह हंगामा करने लगे। पीजी डागा कन्या महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर डीके दुबे को कॉलेज प्रबंधन ने 15 अप्रैल 2017 को निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद कॉलेज के कथित तौर पर निलंबित प्राध्यापक डॉक्टर डीके दुबे ने प्रबंधन का फैसला सुनने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। वहीं जब पुलिस प्रशासन वर्तमान प्राध्यापक डॉक्टर संगीता घई को प्रभार दिलाने पहुंची तो निलंबित प्राध्यापक डॉक्टर डीके दुबे उच्च शिक्षा विभाग का आदेश नहीं होने की बात कह हंगामा करने लगे। पिछले साल एक महिला प्राध्यापिका से बदतमीजी करने के आरोप में डीके दुबे को उनके पद से हटा करके मुझको प्रभार दिया गया था और उसके बाद से उनका बदतमीजीपूर्ण रवैया लगातार चलता चला जा रहा है। उनके साथ में ये 5 महिला प्राध्यापिकाएँ हैं तो ये मामला लंबे समय से चल रहा है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में वगैरह में सब में देखा होगा। लेकिन उसके बाद में कॉलेज स्टार्ट हुआ तो उसके बाद में ये देखिए, हम लोग सारे टीचर्स हैं, हम लोग पढ़ाने जाते हैं तो आप इसको देखिए और देखिए आप एक शिक्षा संस्थान में क्या इस तरीके की हरकतें, एक 5 लोग इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं क्या? हम लोग सब समिति के तरफ के टीचर हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ पे कार्यरत हैं, ये ठेके पे टीचर बुलाए हैं उनसे भी गुंडागर्दी करवा रहे हैं, बच्चों के पास में जाने नहीं दे रहे हैं, बच्चों को तंग करते हैं जो बच्चे हमारे पास में आते हैं, तो ये लंबे समय से चल रहा है। तो हमने पुलिस में और सब जगह कंप्लेंट करी कि हमको इससे मुक्त कराया जाए, इनको सस्पेंड भी कर दिया गया है समिति की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी ये हम लोगों को इस तरीके से तंग कर रहे हैं, किसी भी चपरासी को हमारे पास में नहीं आने देते, बच्चों को नहीं आने देते हैं और वो ठेके के टीचरों से गुंडागर्दी करवाते हैं, तो ये समस्या है। वो आप वॉइस देखिए, आप देखिए, हम लोग क्लासेस में गए तो हमारे साथ में ये इस तरीके की ये टीचर्स करते हैं और ये लगातार जबरदस्ती के झूठे झूठे आरोप बिना किसी बात की चीजों को करते हैं। डॉक्टर डी के दुबे का कहना है कि कॉलेज को उच्च शिक्षा से आर्थिक सहायता मिलती है तो कॉलेज प्रशासन कैसे किसी को उच्च शिक्षा विभाग की बिना अनुमति के निलंबित कर सकता है, वह भी तब जब मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन हो। वही कॉलेज का संचालन वर्तमान में कॉलेज काउंसलिंग कर रही है। नहीं, कॉलेज काउंसिल चला रही है, मैं निलंबन तो प्रश्न ही नहीं, मेरा उनको अधिकार नहीं है क्योंकि ये ग्रांटेड कॉलेज है और यहाँ पर हायर एजुकेशन का अनुमोदन चाहिए। हम तो अनुमोदन मांग रहे हैं कि अनुमोदन दिखाइए। आप चेयरमैन होने के नाते सबको लिख देंगे कि तू सस्पेंड, तो कैसे माना जाएगा? नहीं, कोर्ट में स्टे का मामला नहीं है, कोर्ट में ये चैलेंज है कि इनको अधिकार है कि नहीं, क्योंकि ये हायर एजुकेशन का मामला है और हायर एजुकेशन से ग्रांट आती है, तो ग्रांट आती तो आपको हायर एजुकेशन से अप्रूवल चाहिए। तो कोर्ट में चैलेंज खाली सस्पेंशन को लेकर नहीं किया गया है, कोर्ट में चैलेंज इस बात को लेकर किया गया कि आप जो सबको लिख लिख के दे रहे हैं तू सस्पेंड तू चेतावनी तू वो, तो उसको चैलेंज किया गया कि आपको अधिकार है या नहीं है जो आप जबरदस्ती पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे पास तो कोई कारण नहीं, मुझे शोकास नोटिस ही नहीं दिया गया, मैं परीक्षा ले रहा था विश्वविद्यालय में एनुअल परीक्षा, तो वहाँ अचानक मेरे पास में लेटर आ गया कि आपको निलंबित किया जाता है और उन्होंने आकर सीधे एक तरफा उन्होंने चार्ज दिलाने की कोशिश की। हम लोगों ने बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि भाई आप हमको लिखित में दे दीजिए कि आपके आदेश से ये चार्ज की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं एक तरफा दिलवाने के लिए आया हूँ, आप लोगों से पूछ के नहीं आया हूँ करके। और चलिए उन्होंने दूसरों और लोगों को पुलिस की जो महिला पुलिस है उनसे बोल के कि इन सबको बाहर करो और इन सबको हमसे कहा कि आप सबको बुक करा रहे थाने में करके, ये इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। और हम केवल निवेदन कर रहे हैं कि आप हमको अपना एक आदेश की कॉपी जो है आप दे दीजिए करके, या खुद लिख के दीजिए, आप खुद दे दीजिए कि भाई आपके आदेश अनुसार जांच चार्ज दिया जाए करके, आपको अधिकार है तो। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए, वो बार बार उन्होंने पुलिस को बुला के हम सबको बाहर करने की कोशिश की कि इन सबको बाहर किया जाए। कॉलेज के प्रबंधक अजय तिवारी ने कहा कि पीजी डागा कन्या महाविद्यालय की पूर्व प्राध्यापिका कमला वर्मा ने मौखिक तौर पर ही सहायक प्राध्यापक डॉक्टर डी के दुबे को प्राध्यापक का पदभार सौंपा था। उन्हें 25 मई को शासी निकाय और महाविद्यालय प्रबंधन के आदेशों की लगातार अवहेलना, महाविद्यालय के ऑफिस कक्षा स्टाफ रूम में ताला बंद कर कॉलेज के शिक्षण कार्य और संचालन को अवरुद्ध करने का और गरिमा के विपरीत आचरण के कारण निलंबित किया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। डागा कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य जो थी सल्ला वर्मा, उनके सेवानिवृत्त के बाद डी के दुबे को मौखिक रूप से कहा कि भाई आप प्रभारी प्राचार्य के रूप में आप काम करते रहे और एक वर्ष 125 वर्ष के आसपास उन्होंने काम किया। उसके बाद शासी निकाय की बैठक में आदेशों निर्देशों के पालन नहीं करने के कारण उनको प्रभारी प्राचार्य के पद से हटाकर
सीनियर मोस्ट डॉक्टर संगीता गई को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया 29/11/2017 को, और नियुक्त करने के बाद विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा जहाँ भी संबंधित विभाग है सूचना देना है वहाँ हमने सूचित कर दिया। विश्वविद्यालय ने भी 30 दिसंबर 2017 को नियुक्ति को सही माना और उन्होंने ये कहा कि अब डॉक्टर संगीता गई के हस्ताक्षर से जो भी पत्राचार होंगे उसको हम संज्ञान में लेंगे, उन्होंने मान्यता दे दी। उससे क्षुब्ध होकर इन्होंने हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से इसको कोई राहत नहीं मिली, ना स्टे मिला ना कुछ नहीं मिला। इसी बीच में हमने नियमित प्राचार्य की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया चालू कर दी थी और जनवरी में ही हमने विज्ञापन जारी करके आवेदन मंगाए थे और उसको विश्वविद्यालय हमने भेज दिया और हाई कोर्ट के काम ने नियमित प्राचार्य के लिए भी आवेदन मंगा चुके हैं थे। निलंबन के अगेंस्ट में इन्होंने एक प्रभारी प्राचार्य के पद से इनको हटाया गया, बाद में आदेश निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण इनको सहायक प्राध्यापक के रूप में जो काम कर रहे थे वहाँ से भी इनको निलंबित कर दिया गया। For more information, log on to www.clips.in.